बहुत समय पहले की बात है, किशनपुर नामक गांव में रीचा अपनी सौतेली माँ मनीषा और सौतेली बहन मोनी के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। वह बेचारी रीचा के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी। वह दोनों रीचा से घर के सारे काम कराती थी और हमेशा किसी न किसी वजह पर रीचा को पीटती थी। मनीषा अपनी बेटी मोनी को बहुत प्यार करती थी और खर्च करने के लिए बहुत पैसे दिया करती थी। मोनी बहुत ज्यादा पार्टी करती थी। रीचा यह सब देखती है और बहुत दुखी होती। वह बहुत परेशान रहती और हमेशा रोती रहती। वह अपने आप को हौसला देती और इन सभी हालातों का सामना करने की पूरी कोशिश करती। इसी तरह रीचा अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ जी रही थी। एक दिन रीचा अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ माँ अब गर्मी बहुत बढ़ गई है और मेरे रूम में पंखा नहीं है। मैं गर्मी से बहुत परेशान हो जाती हूँ। माँ कृपया करके मेरे कमरे में भी पंखा लगवा दीजिए। मुझे रात में नींद भी सही से नहीं आती और फिर दिन में इतना सारा काम करना होता है। अच्छा, तो अब तुझे पंखा भी चाहिए। ये शुक्र कर, मैंने तुझे रहने के लिए स्टोर रूम दे रखा है। मुझसे ज्यादा ख्वाहिशें मत कर, तू मनहूस है। बचपन में ही अपनी माँ को खा गई और फिर तेरा इससे भी पेट नहीं भरा तो अपने पिता को भी खा गई। मैंने तुझे अपने यहाँ रखा हुआ है, तुझे दो वक्त का खाना देती हूँ, यही बहुत है। गर्मी बहुत है, मैं परेशान हो रही हूँ, मैं क्या करूँ। माँ, मैं आपसे जरूरत का ही सामान मांग रही हूँ। गर्मी से मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। आप मुझे चाहे जो कह लीजिए, लेकिन आप मेरे लिए एक पंखे का अरेंजमेंट कर दीजिए। आपकी बहुत कृपा होगी। हाँ हाँ, चल मैं देखूंगी। अभी तो मैंने अपनी प्यारी बेटी मोनी के लिए एसी मंगवाया है, उसके कमरे में एसी लगेगा। अभी तुझे थोड़े दिन और रुकना पड़ेगा। चल पहले काम खत्म कर, मेरे सर पर मत खड़ी रहे। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हाँ चल, सब ठीक है तो यह बता, तूने अभी तक चक्की से गेहूँ पीसे है या नहीं। माँ, मैं घर के और भी काम कर रही थी, इसलिए टाइम नहीं मिला। अभी घर का काम और बचा है, इसलिए काम करने के बाद मैं रात को गेहूँ चक्की पर पीस दूंगी। ठीक है, आज गेहूँ जरूर पीस जाने चाहिए, नहीं तो कल तुझे खाना नहीं मिलेगा। ये ध्यान रख, बहुत बहानेबाजी कर रही है तू। ठीक है। ऐसा कहकर मनीषा वहाँ से चली जाती है और रीचा झाड़ू पोंछा, कपड़े धोना, इस्त्री करना सब काम करके अपने स्टोर रूम में अपने हिस्से का खाना लेकर चली जाती है। रीचा गर्मी से बहुत परेशान होती है। वह हाथ के पंखे से हवा कर कुछ गर्मी दूर करने की कोशिश करती है और खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करती है। उसके बाद बर्तन धोती है और खाना बनाती है और कुछ समय बाद रीचा सारे गेहूँ चक्की पर पीसती है। गेहूँ पीसते पीसते सुबह हो जाती है और रीचा के हाथों में इतने सारे गेहूँ पीसने से छाले निकल आते हैं। रीचा चक्की के पास बैठे बैठे सो जाती है। सुबह के 8 बज जाते हैं लेकिन उसकी आंखें नहीं खुलती। तभी मोनी बहुत गुस्से में रीचा के पास आती है और उससे कहती है, क्यों नौकरानी, तुझे एक बार की बात समझ में नहीं आती। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तुझे सुबह को 5 बजे उठना है, 8 बजे नहीं। मम्मी और मुझे कितनी भूख लगी है, तुझे इस बात की जरा भी चिंता नहीं है। चल जल्दी से हमारे लिए नाश्ता तैयार कर। और हाँ, ये रहा मेरा सुंदर लहंगा, इस पर इस्त्री भी कर देना। और उसके बाद तुझे मेरा मैनिक्योर और पेडिक्योर भी करना है। मेरा मुँह क्या देख रही है, चल काम पर लग जा। मोनी दीदी, मैंने पूरी रात गेहूँ पीसे हैं, जिसकी वजह से मेरे हाथों में छाले निकल आए। अगर मैं दवाई लगाकर थोड़ी देर आराम कर लूँ और उसके बाद मैं आपके लहंगे पर इस्त्री भी कर दूंगी और आपका मैनिक्योर और पेडिक्योर भी कर दूंगी। प्लीज अभी आप नाश्ता खुद बना लीजिए। क्या कहा, नाश्ता और मैं बना लूं? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। मैं इस घर की राजकुमारी हूं और राजकुमारियां कभी काम नहीं क्या करती। तेरे हाथ में छाले निकल रहे हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप हमारा नाश्ता तैयार कर और उसके बाद जो काम दिया है उसे खत्म कर। आए बड़ी आराम करने वाली। मोनी को जरा भी रीचा के ऊपर दया नहीं आती और वह रीचा को काम बताकर आ जाती है और रीचा नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है। उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन बेचारी रीचा करती भी तो क्या करती, उसकी सुनने वाला इस घर में कोई नहीं था। रीचा पहले तो नाश्ता तैयार करती है, दोनों माँ बेटियों को नाश्ता देती है और उसके बाद मोनी के लहंगे पर इस्त्री करने चली जाती है। इस्त्री करते समय रीचा गहरी सोच में चली जाती है।
अगर आज मेरे माता पिता से जिंदा होते तो कितना अच्छा होता। मैं अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन का अत्याचार नहीं सह रही होती। घर का सारा काम मुझसे ही करवाया जाता है। ऐसा बर्ताव तो जानवरों के साथ भी नहीं किया जाता जैसा मेरी सौतेली माँ और बहन मेरे साथ करती है। मेरे हाथ में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है लेकिन मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन को जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वह मुझसे इतने दर्द में भी काम करा रही है। काश मैं भी अपने माता पिता के पास चली जाऊँ, यही मेरे लिए अच्छा होगा। रीचा ऐसा सोचकर रो रही थी तभी रीचा को किसी चीज के जलने की बू आती है। जैसे ही रीचा लहंगे की तरफ देखती है तो पूरा लहंगा पूरी तरह से जल चुका था और यह देखकर रीचा घबरा जाती है क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि अब उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उसके साथ क्या करेंगी। अरे नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया। अगर इसके बारे में मोनी दीदी और माँ को पता चला तो पता नहीं वह मेरे साथ क्या करेंगे, कहीं मुझे जान से ही ना मार दे। ऐसा कहकर रीचा बहुत घबरा रही थी तभी वहाँ पर मोनी आ जाती है और अपने लहंगे को जला देख आग बबूला हो जाती है और वह रीचा को एक जोर से थप्पड़ मारती है और चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाती है। मम्मी मम्मी जल्दी से यहाँ आओ और देखिए इस नौकरानी ने मेरा कितना सुंदर लहंगा जला दिया। इस नौकरानी की पहले ही मेरे इस लहंगे पर नजर थी और इसने जानबूझकर मेरा लहंगा जला दिया। मम्मी जल्दी से यहाँ आओ। मोनी की आवाज़ सुनकर मनीषा भागकर आती है तभी मोनी मनीषा को सब बताती है कि किस तरह से रीचा ने उसका कीमती लहंगा जला दिया। तभी मनीषा इस्त्री उठाकर रीचा के हाथ पर लगा देती है। रीचा चीख पड़ती है और रोते हुए मनीषा से कहती है, वाह यह आपने क्या कर दिया, मुझे कितनी ज्यादा जलन हो रही है। आपने मेरा हाथ चला दिया, पहले ही मेरे हाथ में छाले निकल रहे थे और आपने इस्त्री लगा दी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये लहंगा मैंने जानबूझकर नहीं चलाया। आप दोनों मेरे ऊपर इतना जुल्म और अत्याचार क्यों करती हो। मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ, चाहे सौतेली हूँ लेकिन हूँ तो आपकी बेटी ही। तुझे मैंने कभी अपनी बेटी नहीं समझा, तू नौकरानी है तो नौकरानी रहेगी। मेरी बेटी का इतना सुंदर और महंगा लहंगा जला दिया इसलिए तुझे एक हफ्ते तक अन्न का एक दाना नहीं मिलेगा, तब तुझे पता चलेगा कि नुकसान करने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा कहकर मोनी और मनीषा वहाँ से चली जाती हैं और बेचारी रीचा रोते हुए अपने जले हाथ पर ठंडा पानी डालती है, उस पर टूथपेस्ट लगाती है और उसके बाद अपनी माँ की तस्वीर देखकर बहुत रोती है। लेकिन यह सब अत्याचार उससे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसने सोच लिया कि सुबह होते ही वह घर छोड़ देगी। और अगले दिन सुबह रीचा घर छोड़ कर निकल जाती है। जब रीचा रास्ते में जा रही होती है तो उसे रास्ते में एक जख्मी बुढ़िया मिलती है। उस बुढ़िया को देखकर रुक जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। तभी डॉक्टर रीचा से कहती हैं, अगर बेटा आप इन्हें समय पर नहीं लेकर आती तो इनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है, हम इनकी सर्जरी कर देंगे, यह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर बुढ़िया की सर्जरी कर देती हैं और वह बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। रीचा ही बुढ़िया की सारी देखभाल करती है। रीचा से वह बुढ़िया बहुत खुश होती है और कहती है, बहुत ही धन्य है वह माँ बाप जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। तुम बहुत ही प्यारी हो बेटी, तुमने मेरा कितना ख्याल रखा, तुमने मेरी जान बचाई, डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया। अगर तुम नहीं होती तो मैं जिंदा ना होती, क्या तुम मुझे अपने माँ बाप से मिलाओगी। रीचा रोने लगती है और सारी बातें बुढ़िया को बताती है। सारी बातें जाने के बाद बुढ़िया रीचा से कहती है, बेटी तुम घबराओ मत, मैं सोने और चांदी के लहंगे की नदी के बारे में जानती हूँ, मैं तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बताऊंगी। मुझे ऐसी ही लड़की की तलाश थी जो बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करती हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम सभी गरीबों और परेशान लोगों की मदद करोगी। बुढ़िया रीचा को सोने और चांदी के लहंगे की नदी के बारे में बता देती है और रीचा बुढ़िया को धन्यवाद कर सोने और चांदी के लहंगे की नदी की तरफ चल पड़ती है। और कुछ समय बाद रीचा वहां पहुंच जाती है। सोने और चांदी के लहंगे की नदी को देखकर रीचा बहुत खुश होती है और वह खुशी से झूम जाती है। तभी सोने का लहंगा रीचा से कहता है,
रीचा बेटी, हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। हमें तुम्हारी जैसी ही नेक दिल और निस्वार्थ लोगों की मदद करने वाली लड़की की जरूरत थी, जिसकी मदद से हम समाज में जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकें। बेटी, मैं तुम्हारी धन दौलत संबंधी जरूरतों को पूरा करूंगा। तुम वह जितनी चाहे उतनी धन दौलत मैं तुम्हें दूंगा। उसके बाद चांदी का लहंगा कहता है, बेटी हम तुमसे बहुत ज्यादा खुश हैं और तुम्हारी मदद से समाज में जरूरतमंद और गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं। बेटी मैं तुम्हें बल प्रदान करूंगा, जिसकी मदद से तुम अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन जैसी राक्षस लोगों का डटकर मुकाबला कर सकोगी और उन्हें धूल चटा सकोगी। समाज के ऐसे ही सभी राक्षस तुमसे माफ़ी मांगेंगे और तुम्हारे आगे झुक जाएंगे। यह सब बातें सुनकर रीचा बहुत खुश होती है और सोने और चांदी के लहंगे लेकर अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के पास पहुंचती है और चांदी के लहंगे की मदद से उन दोनों की बहुत पिटाई करती है और मार मार कर उन्हें घर से भगा देती है। और सोने के लहंगे की मदद से रीचा बहुत अमीर हो जाती है और जरूरतमंद और गरीब लोगों की मदद करती है। चांदी के लहंगे की मदद से समाज के राक्षस रूपी लोगों की अच्छे से खबर लेती है, उनकी पिटाई कर उन्हें सुधारती है। सभी लोग रीचा को बहुत पसंद करते हैं और इसी प्रकार खुशी खुशी रीचा अपना जीवन बिताती है।